ওমা ক্যামেরাটা অন করছি, এদিকে তাকাও। হ্যাঁ তাকাও এদিকে, শুধু মুড়ি খেয়ে যাচ্ছ। না না আজকে আমি কিছু জলখাবার খাবো না, পেটটা ভালো নেই, আমি এই চা মুড়ি খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাবে পরে দুপুরবেলা আসবো, তখন দেখা যাবে। গুড মর্নিং দোস্ত, ফের নিকাল গিয়া, আজ একদম সুবহ সুবহ 9 বাজে নিকাল গই হ্যায়। রিয়ালিটি যা রহা হ্যায়, ডেকোরেশন কা কাম হ্যায়, এক বচ্চে কা ও আপকা ওয়েডনেসডে সিরিজ হ্যায়, উসকে উপর উসকো ডেকোরেশন চাহিয়ে, তো আফটার ডেকোরেশন মে আপ লোগোকো দিখা দুঙ্গি। চলিয়ে অভি চলতে হ্যায়, মেরা ডেকোরেটর ঘুস গিয়া 7:30 বাজে তক। চলিয়ে, और मैं रियलिटी में पहुंच भी गए। देखो हम गाड़ी से उतर के अंदर चल के जा रहे हैं, और ऊपर मेरा डेकोरेटर लोग काम कर रहे हैं। ऊपर घुसते ही हम दिखा देता है काम कितना दूर आगे बढ़े है। हम फ़ोन करके जो सुना है कि वो लोगों को बैकड्रॉप हो गया, तो चलिए। और ये जगह ना ये लोग अभी सुबह सुबह पानी से धुलाया है, तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं कि एक बार स्लिप खाएँगे तो पूरा धूम पटाश। तो मैं तो बहुत पतली हूँ, गिर जाएंगे तो बस मेरा तो 4 महीना तक खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये चलिए सीढ़ी से चढ़ के उठते हैं। अभी सेकंड फ्लोर में ही, सेकंड फ्लोर नहीं फर्स्ट फ्लोर में ही है रियलिटी। कम ऑन, और मैं आते ही इन लोगों को पीछे चालू हो गया, ये इधर करो वो उधर रखो, ये इधर करवाओ, ऐसे बेलून्स को रखो, बेलून्स को ऐसे कलर से सजाओ, ये ऐसे करो, उसमें बेलून्स के ऊपर ऐसे हैंड को रखो, मकड़ी को रखो, वैसे करके या जैसे बोलते हैं ना बैट चमकेदार का ऐसे लगाओ। तो मैं आते ही लोगों के पीछे चालू हो जाती हूँ मैं, मतलब जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और ये देखो मेरा डेकोरेशन का फाइनल लुक, अभी तक लाइट नहीं लगा, लाइट लगाने के बाद देखोगे मैं दिखा दूँगी और भी अच्छा है। और उधर केक टेबल अभी भी बना नहीं, अभी मेरा बैकड्रॉप बना है, टेबल के ऊपर का बना है और बाहर का गेट बना है। और देखो साइड में जो है, साइड में रेलिंग में मैं सारा मकड़ी पकड़ी सब बैलून के साथ लगा के कर दिया। आओ दिखाते हैं, कोई है, ये एक हॉरर थीम है और मैं ट्राई किया ये हॉरर टाइप का लुक देने का। हम और भाभी मिलके बहुत सारा फ़ोटोज़ छाट के बहुत आइडियाज़ निकाल के, ये देखो ये मकड़ी, ये जो चमकदार हाथ, ये सब जो है, और एक वेब होता है जो मकड़ी का जाली होता है, ये सब ना हम बनाए अपना दिमाग लगा के, और कैसे कहाँ सेटिंग करना है, किस हिसाब से सेटिंग करना है, वो पूरा सेट किया सुबह से 9:30 बजे से आकर, क्योंकि डेकोरेटर लोग बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, बट आइडिया देना पड़ता है ना हम लोगों को। और ये गेट में लगेगा, गेट में देखो इसके ऊपर हम प्लास्टिक लगा दिया, जैसे लगता है कि बहुत दिन का पुराना वो इसका फ़ोटो पड़ा हुआ है वैसे लगेगा। तो हम वैसे ही एक वही हॉरर टाइप का लुक देने का ट्राई किया, कैसा लगा तुम लोग बताना। मेरा क्लाइंट तो बहुत ही खुश थे, और मेरा जो बच्चे का जन्मदिन है वो भी बहुत खुश थे। और आओ दिखाते हैं कि भाभी इतना खुश है, भाभी क्या, भाभी का मुंह से सुन। आप बोलिए ये थीम कैसा लगा आपको, मतलब डेकोर कैसा लगा? डेकोर बहुत अच्छा हुआ है, जैसा मैं चाहती थी मैम ने तो वैसा ही किया। आई एम वेरी हैप्पी विद द डेकोर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और घर में आके थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके खाना फाना खा के उसके बाद 5:30 बजे 6 बजे मम्मी को लेके गए सलून में, और वो पार्लर लेके गए, मम्मी को बाल कटवाना है। और दिखाते हैं मम्मी को बाल कटवाने के बाद फाइनल लुक मैं दिखा दूँगी। देखो अभी मम्मी का बाल एकदम छोटा हो जाएगा, और गाइस देखो कैसे लग रहा है, मम्मी एकदम स्मार्टली खड़े हैं। और इधर बोल रहे हैं देखो इस टाइम पर ना इधर फ्लावर उठाने आता है भगवान का फ्लावर। तो आज आज दिन में रियलिटी में काम फाम करके 1:30 बजे घर आ गए थे, और आज खाना नहीं बनाए। आज खाना मेरे घर के पास एक जन खाना बनाते हैं, वो होम डिलीवरी देते हैं, हम उसको ऑर्डर देके गए थे, वो बहुत अच्छा खाना दिया, राइस दिया, आलू भजा दिया,
परवल के सब्जी दिया, फिश दिया, और अच्छा साइज था और अच्छा खाने का, क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, तो आज खाना बनाना नहीं पड़ा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आज निकल गया 5 बजे। वो निकलने के बाद फिर हम देखा मम्मी को लेके निकले हैं, मम्मी को बाल कटवाए, क्योंकि मम्मी का बाल बड़ा था ना, मम्मी का बहुत पसीना होता है और मम्मी का ना अच्छा मतलब बहुत जल्दी कोल्ड एंड काफ हो जाता है, तो हेयर्स छोटा होने से क्या ना सूख जाएगा, पसीना होने से भी सूख जाएगा। तो मम्मी को आज हम बोले आज मम्मी को लेके जाएंगे, और मम्मी को लेके गए थे और मम्मी का फाइनल लुक भी हम दिखा दिया आफ्टर कटिंग, मम्मी को कैसे लग रहा है आज का डेकोर एंड सब कुछ मिला के व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिर मिलता है कल एक न्यू व्लॉग के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे मैं और आगे बढ़ूँगी और मैं और बहुत ज़्यादा जन के पास मेरा वीडियो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अगर फेसबुक पेज से देखेंगे तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर दीजिए। ओके, बाय बाय, जय बाबा लोकनाथ।